है तो वो डेटा को इनक्रिप्ट करके भेज रही होती है। ठीक है, इनक्रिप्ट का मतलब है उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है कि अगर कोई बीच में चेक करना चाहे उसको, उसकी समझ में नहीं आएगा। उसके कोड्स होते हैं, कुछ कोड्स की मदद से इनक्रिप्ट करती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉड्यूलर अर्थमेटिक इस्तेमाल होती है। थोड़ी सी मॉड्यूलर अर्थमेटिक हम पढ़ लेते हैं। तो अगर हम बात करें मॉड फाइव की, मॉड फाइव, मॉड फाइव, मॉड फोर, कोई भी किसी भी मॉड की बात करें, तो मॉड फाइव में हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो होंगे 0, 1, 2, 3, 4। सर ये स्क्रीन स्टिल हो गई है। सबके पास स्क्रीन फ्रीज हो रही है नहीं सर, या सही है, नजर आ? सही है सर। सही है ना? तो ये आपके पास नेट का प्रॉब्लम होगा बेटा। एनीवेज आप जो है थोड़ा स्क्रीन को जो है रिफ्रेश करके देखें। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है 7, तो ये मॉड फाइव में किसके बराबर होगा, को बता सकते हैं मुझे? 7 मॉड 5 में किसके बराबर होगा? टू के बराबर होगा, है ना? 7 इज इक्वल टू या कॉन्ग्रेंट टू टू, तीन तीन इक्वल्स के साइन, टू के बराबर होगा, है ना? इन मॉड टू, मॉड फाइव, इन मॉड फाइव क्योंकि 7 का जब मॉड निकालेंगे 5 के साथ तो 2 आएगा। इसी तरीके से 12 भी कॉन्ग्रेंट है, 12 भी है ये। 12 का मॉड 5 में निकालें तो 2 आएगा। ठीक है, 9 किसके बराबर होगा मॉड 5 में? जी बताइए। फोर 9 किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। तो नाइन सर, ये इज, समझ नहीं आ रहा। देखें सिंपल सी चीज सिंपल है, डिवीजन नाइन है ना? 9 को अगर मैं मॉड 5 में चेक करना चाहूँ तो 5 से मैं, 5 बनता 5, कितने बचे? 4 बचे। तो जो रिमाइंडर आएगा ना, ये 5 नंबर है ना, मॉड 5 है, तो इन्हीं में से कोई वैल्यू आएगी, तो 4 आ रही है अभी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं और मैं बात करता हूं मॉड, अच्छा फिर आ गया ये, मैं बात करता हूं आपसे मॉड 3 की। लेट सपोज मॉड 3 में हमारे पास क्या क्या नंबर होंगे? मॉड 3 में हमारे पास 0 होगा, 0, 1, 2। 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कोई नंबर है 10, 10 किसके बराबर होगा मॉड 3 में? बताइए, 10 सर किसके वन बराबर होगा? वन के 1 के बराबर होगा। ठीक है, किसी की समझ में ना आ रहा हो तो पूछ ले। 10 मॉड 3 में हमारे पास 3 इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या बचेगा अगर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। कैसे बचेगा चेक कर लेते।
टेन है, थ्री थ्री था नाइन, ठीक है, क्या बचा हमारे पास, वन बचा, आ रही बात समझ में, 85 किसके बराबर होगा मॉड थ्री में, जी बताइए, एटी फाइव किसके बराबर होगा, रिमाइंडर निकाल लें, जी कोई बताए वो मुझे किसके बराबर होगा, जी माय डियर स्टूडेंट्स, वन के बिल्कुल सही है, 85 को रिमाइंडर निकाल लें, थ्री टू जा सिक्स, कितने बचे, दो बचा, और फाइव ऊपर से आ गया 25, थ्री एट जा 24, ठीक है, तो क्या बचा रिमाइंडर, वन बचा, ठीक है, तो ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी हमारे को ज़रूरत नहीं है इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ने की, प्रोबेबिलिटी पे हम अभी बात करेंगे आगे चल के भी, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट, ठीक है, एक इवेंट के होने के चांसेस, मिसाल के तौर पर एक सिक्का है, अगर उसको उछालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हेड आएगा या टेल आएगा, यार किसी का माइक जो है ना, माइक बंद कर दो, नवेद है मेरे ख्याल, वकास नवेद है, वकास नवेद आपका माइक जो है ना, हाँ जब बोलना हो तो जब खोल के बोल लिएगा, कोई मसला नहीं है, तो ये दो इवेंट्स हैं, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50%, जी, तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी दो हैं और उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक है, ठीक है, हमारे सैंपल स्पेस में दो इवेंट्स हैं ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, अब टोटल दो चांस, दो चीज़ें आ सकती हैं और उसमें से हेड एक दफ़ा आ सकता है, तो 1/2 इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है, ठीक है, इसको 0.5 कह देंगे हम, 1/2 जो है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, ठीक है, और जितने भी इवेंट्स हैं आपके पास, हर किसी की प्रोबेबिलिटी को जमा करेंगे तो फाइनल आंसर 1 आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमेशा 1 होगी, ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और तो कुछ नहीं आ सकता इसके अलावा, सिक्के को उछालेंगे तो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हेड और टेल की मिला के, वो हमेशा 1 होगी, ठीक है, अब कुछ इवेंट्स होते हैं जो के एक्सक्लूसिव होते हैं और कुछ होते हैं नॉन एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं एक क्लास में मेल स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, और फीमेल कितने हैं, क्या ये एक्सक्लूसिव है, या तो बंदा मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसी प्रोबेबिलिटी के कोई बंदा मेल भी हो फीमेल भी हो, ये इंटरसेक्शन से अगर हम निकालें तो ये नल होगा, ठीक है, या तो बंदा मेल होगा या फीमेल होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेल और फीमेल दोनों, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, ठीक है। इंटरसेक्शन नल आएगा। इसी तरीके से कोई डाई को अगर हम रोल करें, डाई से मुराद है पांसा, पांसे को अगर हम रोल करें तो एक आने की प्रोबेबिलिटी होगी, दो आने की होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक और दो दोनों साथ आ जाए, ठीक है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो इसमें तो बहुत सिंपल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, या तो मेल है या बंदा फीमेल है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मेल आने की प्रोबेबिलिटी और फीमेल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? लेकिन ऐसा भी हो सकता है बाज़ औक़ात जो है इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं एक इवेंट है, कि आप क्लास में कितने मेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और किसी के ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी, कि किसी बंदे की ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसको मैंने पी ए कह दिया, ए आने की प्रोबेबिलिटी और मेल होने की प्रोबेबिलिटी। पी एम का मतलब है मेल होने की प्रोबेबिलिटी, और पी ए का मतलब है बंदे के ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ एम इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है ये आप लोगों को पता होगा, किसी को नहीं पता हो तो उसके लिए कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों चीज़ें हो रही हो, कॉमन हो दोनों के अंदर, तो ये इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ए, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बंदा मेल भी हो और ए ग्रेड भी आया हो, ठीक है, राइट। अब ये नल नहीं है। अच्छा, यहां पे नल था, मेल और फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी नल हो सकती है, लेकिन मेल हो और ए आ जाए ये हो सकता है। अब नल नहीं है, नाउ इट इज नॉट नल, ठीक है। अब मैं कहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताएं पी ऑफ एम, एक बंदा मेल हो या उसका ए आया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, जब यूनियन हो तो इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड, ठीक है, ये वैसे ही आएगा जैसे ऊपर था, लेकिन इसमें एक चीज और आएगी, कोई बता सकते हैं मुझे, स्टूडेंट्स आप लोग हैं मेरे साथ, एनी क्वेश्चन सो फार? देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट होता है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है दोनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी नॉन एग्जिस्टेंट होती है या नल होती है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा मैंने बात की मेल और फीमेल, ये दोनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी नल है। लेकिन कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि जैसे किसी बंदे को अगर
टीबी है किसी बंदे को, तो क्या चांसेस हैं कि इस बंदे को जो है हार्ट की प्रॉब्लम भी हो। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों बंदों को हो भी सकता है, दोनों जो है एक साथ किसी बंदे को हो भी सकता है, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी है इसको टीबी हो और दूसरा क्या हार्ट की प्रॉब्लम भी हो, ठीक है। तो क्या ये नल होगा? जरूरी नहीं है ये नल हो, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रॉबिबिलिटी है कि कुछ लोगों को टीबी भी हो और हार्ट की प्रॉब्लम भी हो। दिस इज नॉट नल, नॉट इक्वल टू नल, ठीक है सर। ये दोनों केस के अंदर ऐड होगी प्रॉब्लम, मैं भी आ रहा हूँ उसके ऊपर, ये बात मैंने अधूरी छोड़ दी थी। दोनों केसेस में, कुछ केसेस में हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कुछ केसेस में जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो हमें माइनस करना पड़ेगा इनके इंटरसेक्शन को, ठीक है। यानी ए और एम दोनों अलग अलग ऐड किया हमने, यहां पे माइनस नहीं करेंगे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में माइनस नहीं करेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम माइनस नहीं करेंगे। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और बेसियन थ्योरम है, ये दोनों टॉपिक्स हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में। अगला हमारा जो कोर्स है ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही है, अगला जो लेक्चर है इस कोर्स का, ठीक है। तो वहाँ पर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेसियन थ्योरम को डिटेल में देखते हैं। अब आते हैं हम ग्राफ्स, ट्रीज, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ होता है बहुत सारे नोड्स हो, ठीक है, और उनके बीच में कनेक्शन हो। जब चीजों के बीच में कनेक्शन होता है ना तो हम उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये आपस में कनेक्टेड है, तो ये ग्राफ है। जब नोड्स आपस में कनेक्टेड हो, ऐसा बहुत दफा होता है हमारी जिंदगी में भी, ऐसे बहुत दफा होता है हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो आता है जहां पे लोग होते हैं, उनके बीच में कनेक्शंस होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको दो मिनट देता हूं, आप सोच के मुझे कोई सी दो एग्जांपल्स बताएं, हर बंदा कोई सी दो एग्जांपल्स बताए मुझे जहां पर हमारे पास इस तरह का कनेक्शन बन रहा होता है, ग्राफ बन रहा होता है, ठीक है। सोच के मुझे दो मिनट दे रहा हूं, मैं सोच के बताएं। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो माइक खोल के बता सकता है। चीजें बना रहे होते हैं जब हमारे पास नेटवर्क में कनेक्टिविटी आती है। हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क जो है, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ है, नेटवर्क जो है ये ग्राफ है। ग्राफ जो है इट्स नथिंग बट नेटवर्क, ग्राफ नेटवर्क है एक ना। तो दुनिया में जितने भी नोड्स हैं ये सब जो है कनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से, कितने भी कंप्यूटर्स हैं। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का ग्राफ है, ठीक है। और कहाँ नेटवर्क होता है भाई, बताएं आप लोगों के दिमाग में वो कौन सी चीज़ है जो आप लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के ऊपर? जी नहीं आ रहा दिमाग में? फेसबुक, सोशल नेटवर्क। फेसबुक सोशल नेटवर्क, जी बिल्कुल। तो फेसबुक क्या है? ग्राफ है, ठीक है। तो डेट इज अ ग्राफ। और बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं जहां पे ग्राफ बनता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल टाइम टेबल है, टाइम टेबल का एक ग्राफ बना सकते हैं आप, जिसके अंदर आप चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। एक बंदा जो है एक कोर्स पढ़ा रहा है तो वो लिंक्ड है, ठीक है, कोर्स के थ्रू लिंक हैं। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में टीचर और स्टूडेंट के दरमियान ग्राफ बन सकता है, लिंक है। तो ये मैथमेटिक्स वाला ग्राफ नहीं है, पहली बात तो ये समझ लें, ठीक है। ये है डेटा स्ट्रक्चर का ग्राफ, ठीक है, ये कंप्यूटर वाला ग्राफ है। आ रही बात समझ में? मैंने देखा है जो एमएस के स्टूडेंट्स भी होते हैं कंप्यूटर साइंस के, उनसे भी अक्सर पूछो ना ग्राफ क्या होता है, तो वो कंप्यूटर के ग्राफ के बदले मैथ्स वाला ग्राफ बता रहे होते हैं, जो उन्होंने 9-10 में, ठीक है। तो ये ग्राफ यूज फॉर द क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल होता है और बहुत सारी जगहों पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब मैं अगर सर ये इकोनॉमिक्स के अंदर जो है मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज जो होती हैं उसमें भी जो हम फैक्टर्स देखते हैं उसके लिए भी सर हम कोरिलेशन का बेसिक यही होता है कि हम एंड में जो है वो ग्राफ के थ्रू जो है उनकी रिलेशन देखते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक जितने भी फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर उसके लिए ग्राफिंग ही की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ये एक ग्राफ है, इसमें 1 के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं, 1 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से, एडजेसेंट के मतलब पड़ोसी उसके, 2 and 4 बट कनेक्टेड विद 2, 2 और 3 है ना बस, 4 तो नहीं है, नहीं 4 नहीं है, 2 एंड 3, 2 एंड 3 है। और 2 के कौन कौन से हैं एडजेसेंट नोड्स, 4 एंड 3, 1 भी है, 4 3 1, ठीक है। किसी की समझ में ना आ रहा हो पूछ ले भाई। वकास कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, नो सर, सही, ओके, हैंड रेज हुआ है आपका, ठीक है। अच्छा तो अच्छा एक चीज होती है, और क्यों नहीं एडजेसेंट, मतलब आपने कहा कि उसकी 1 का नहीं है ना, 1 से कहां कनेक्टेड है ये, 1 से डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है ना, नहीं डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड, तो ये एडजेसेंट नहीं हुआ, ठीक है। अब एक चीज होती है डिग्री, डिग्री ऑफ अ नोड, डिग्री से क्या मुराद है, एक नोड से कितने एजेस निकल रहे हैं, ये एज है ना, ये जो लिंक है इसको एज भी कहते हैं, एक नोड से कितने एजेस निकल रहे हैं। तो 1 की डिग्री क्या है, 2, 1 से 2 निकल रहे हैं, 3 की कितनी है, 1 2 3 है, 2 की कितनी है, 3 है। अब इस ग्राफ को कंप्यूटर में कैसे सेव करेंगे, बहुत सिंपल है, ट्री बनेगा, नहीं ट्री की भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का किसी ने पूछा भी था लास्ट टाइम कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये एक इस्तेमाल और आ गया, 1 2 3 4, ठीक है, जितने नोड्स होंगे 1 2 3 4, ठीक है। मैं इस ग्राफ को मैंने एरो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 1 से 2 पे एक एरो जा रहा है, 3 से 2 पे एक एरो जा रहा है, 2 से 4 पे एक एरो जा रहा है, 3 से 4 पे एक एरो जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ। अब ये डायरेक्टेड ग्राफ बन गया, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब मैं इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता हूं एडजेसेंसी मैट्रिक्स से, मैंने ये मैट्रिक्स बनाया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब पहले देखते हैं हम 1 की रो, ये 1 की रो है, 1 की रो में 1 जो है कहां कहां एरो जा रहे हैं, 1 से 2 पे जा रहा है,
वन से थ्री पे जा रहा है, तो टू पे और थ्री पे हमने वन लिख दिया, बाकी जगहों पे हमने जीरो लिख दिया। अब टू पे आ जाते हैं, टू से कहाँ कहाँ एरो जा रहा है, टू से फोर पे जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा, तो फोर पे हमने वन लिख दिया, बाकी जगहों पे जीरो लिख दिया। थ्री से कहाँ कहाँ एरो जा रहा है, थ्री से सिर्फ फोर पे जा रहा है एरो, और टू पे जा रहा है, तो टू पे और फोर पे हमने वन वन लिख दिया, बाकी जगहों पे जीरो। फोर से कहीं एरो नहीं जा रहा तो फोर पे जीरो आ गया। ये बात समझ में आई आप लोगों के किस तरीके से एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया? जी माय डियर स्टूडेंट, ये बात समझ में आई? सर एक बार जी रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दें। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग मुझे ग्राफ बना के दिखाएंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, ठीक है, तीन नोड्स पे आ जाते हैं हम, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ठीक है। अच्छा मैं इसमें एक चीज़ और डाल दी है, मैंने वेट्स भी डाल दिए, थोड़ा सा मैं और इसको एडवांस कर दिया मैंने। अच्छा जी, अब इस ग्राफ को जो कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट हुआ है, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कितनी नोड्स हैं हमारे पास, वन टू थ्री। अब मुझे बताएं वन से कहाँ कहाँ नोड्स जा रही हैं। जी वन की रॉ को देखें, वन से टू पे जा रही हैं और बस टू पे जा रही है, वन से टू पे एक एरो आ जाएगा, ठीक है। अब इस एरो पे लिखा हुआ है टू, इसका वेट टू होगा, तो ग्राफ में वेट भी हो सकता है। अब टू से बताएं कहाँ कहाँ एरो जा रहा है। जी ये वन पे एरो जा रहा है, तो वन पे एक एरो आ जाएगा, ठीक है, और थ्री पे, इसका वेट कितना दिया हुआ है हमने, वन 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 वन, शाबाश। और थ्री से बताएं थ्री से कहाँ कहाँ जा रहा है एरो, वन और टू पे, वन पे और टू पे, टू पर, ठीक है। वन का वेट कितना है, थ्री से वन पे वेट वन है, थ्री से टू पे वेट जो है टू है, ठीक है। अब ये बात क्लियर है, हर किसी को समझ में आ रहा है? जी माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? जी अलीशा, क्लियर है आपको? हाशिम, क्लियर है आपको? कंफ्यूजन है बीबी? वेरी सिंपल, थैंक यू सो मच, क्लियर है? क्लियर है, हाँ, चीज तो बहुत सिंपल सी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसको हम कंप्यूटर पे बनाने की कोशिश करते हैं। आज है 23 जनवरी, तो अगर मैं एक ग्राफ जी लेता हूँ, ठीक है,
तो इस ग्राफ में मैं कहता हूँ चार नोड्स हैं, ठीक है। मैं लिस्ट के थ्रू कर रहा हूँ इसको, नंपाई की एरे से भी कर सकते हैं। चार नोड्स हैं, ठीक है। ये है हमारे पास नोड नंबर वन कह लें, या जीरो भी कर सकते हैं आप, जीरो बेस करना चाहें। ये नोड नंबर टू, नोड नंबर थ्री, और ये नोड नंबर फोर, ठीक है। अब नोड नंबर वन किस किस से कनेक्टेड है? मिसाल के तौर पर हमारी इस एग्जांपल में नोड वन किस किस से कनेक्टेड है? सिर्फ टू से कनेक्टेड है, ठीक है। नोड वन जो है सिर्फ टू से कनेक्टेड है, तो इसमें नोड वन अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, तो हम पहले जीरो लिख देंगे। नोड वन थ्री से कनेक्ट है उस पिक्चर में। नोड वन थ्री से कहाँ कनेक्ट है आप देखें ना, थ्री। अच्छा, थ्री से वन डायरेक्टली। ओके ओके, ठीक है। तो ये टू से कनेक्टेड है, तो इसकी सेकेंड एंट्री हमारे पास नॉन जीरो होगी, ठीक है। अभी मैं वन कर देता हूँ इसको, ठीक है, सिंपल सिंपल ग्राफ। और ये थ्री से कनेक्टेड नहीं है तो जीरो, फोर से कनेक्टेड नहीं है तो जीरो। अब नोड टू की बात करो, नोड टू किस किस से कनेक्टेड है? नोड टू वन से भी कनेक्टेड है और थ्री से भी कनेक्टेड है। अच्छा, ये तीन का है ना हमारे पास, तो तीन कर देते हैं। इसी ग्राफ को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तीन नोड का ग्राफ बना लेते हैं हम, चले, ठीक है। तो मैं कहता हूँ नोड टू जो है वन से भी कनेक्टेड है, और इसकी पहली एंट्री भी वन होगी और तीसरी एंट्री भी वन होगी, दूसरी एंट्री जीरो होगी। और नोड थ्री की बात करूँ मैं अगर, तो इसकी पहली एंट्री क्या होगी? थ्री वन से कनेक्टेड होगा तो पहली एंट्री वन होगी, ठीक है। और किस से कनेक्टेड है ये? दूसरी एंट्री भी वन होगी और तीसरी एंट्री जीरो होगी, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया हमारे पास। इस ग्राफ को अगर देखें हम, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं अगर मालूम करना चाहूँ कि वन से कौन कौन से नोड्स कनेक्टेड है, तो कैसे निकालूंगा? जी वन देखूँ मैं, अगर मैं जीरो बेस कर रहा हूँ तो जी जीरो करूँगा। जी जीरो जो है, इससे क्या पता चल रहा है? जीरो से कौन कौन सी नोड्स कनेक्टेड है जहां पर वन आ रहा है, तो सेकेंड एंट्री वन आ रही है, तो ये वाली नोड सेकेंड नोड कनेक्टेड है जी जीरो के साथ। जी वन के साथ मैं देखना चाहूँ कौन सी नोड्स कनेक्टेड है, जी टू के साथ कौन सी कनेक्टेड है, ठीक है। ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, इसको एक और तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू। मिसाल के तौर पर मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, वन है, वन से कौन कौन सी कनेक्टेड है? जी बताएं मुझे, वन से कौन कौन सी कनेक्टेड है, मुझे बता सकते हैं आप लोग? वन से कौन कौन सी कनेक्टेड है? टू एंड थ्री, टू थ्री से एरो आ रहा है। टू से कौन कौन सी कनेक्टेड है? वन और थ्री। तो टू की जो लिस्ट बनेगी उसमें क्या आएगा? वन और थ्री, ठीक है। और थ्री से कौन कौन सी कनेक्शन है? वन और टू, ठीक है। तो ये एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। लिस्ट आप अपने पास रख लो। तो अगर मैं इस ग्राफ को कंप्यूटर पे बनाना चाहूँ पाइथन में, तो मेरे पास एक ग्राफ होगा, ठीक है, एक डिक्शनरी होगी। तो वन से कौन कौन सी कनेक्टेड है? सिर्फ टू वाली, टू, ठीक है। टू से कौन सी कनेक्टेड है? वन और थ्री, वन और थ्री।
और थ्री से कौन सी कनेक्टेड है? वन और टू. हेलो टू, टू से वन और थ्री था, थ्री से वन और टू. ठीक है, तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है आप लोगों के? सिंपल सी चीज है. यस सर. इसको कहते हैं एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. इसको क्या कहते हैं? एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, और ऊपर जो था ये कौन से थी? एडजेसेंसी, एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में आपको देखना हो कि कोई दो नोड जो है आपस में कनेक्टेड है, तो क्या करोगे? रॉ और कॉलम को आप जोड़ने की कोशिश करोगे. मिसाल के तौर पर टू और थ्री को देखना है, तो टू रॉ ले ली और थ्री कॉलम ले लिया. यहाँ पे अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कनेक्टेड नहीं है. अगर ये रॉ पकड़ी आपने और यहाँ से कॉलम पकड़ा, जहां पे मिल रहे हैं जाके ये दोनों, इस एंट्री को उठाओ, अगर ये जीरो है तो ये कनेक्टेड नहीं है. अगर ये वन है तो इसका मतलब है कनेक्टेड है. वन के अलावा कोई और नंबर है तो वो वेट है उसका, कि इसका वेट इतना है. लिंक का वेट भी होता है ना. ठीक है, मिसाल के तौर पर फेसबुक में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन है तो वहां पे वेट ज्यादा होगा. वो लिंक के बारे में बता रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिंक है. ठीक है, जैसे आप इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं तो कोई लिंक होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, आप किसी की बैंडविड्थ ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग है. तो ये वेट बता रहा होता है. वेट बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं. मिसाल के तौर पर ये भी बता सकते हैं कि रास्ता कितना लंबा है. कराची से लाहौर तक का रास्ता बहुत बड़ा हो सकता है. कराची से हैदराबाद का रास्ता छोटा हो सकता है. तो ये वेट भी बता रहा है. वेट से पता चलता है कि लेंथ ऑफ द रूट या कॉस्ट ऑफ द रूट के जो है, मिसाल के तौर पर इस रास्ते में जो है फ्यूल स्टेशन नहीं है, और बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल सकता है वेट से. ठीक है सर, ये DAG की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, अभी मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ. ठीक है, यहाँ आप सिर्फ ये बता दें, why would we want to draw list or matrices adjacency? What is the need for it in practical need life? For adjacency versus adjacency list versus adjacency matrix, ये पूछ रहे हैं आप जी. इन दोनों में जी. adjacency list और adjacency matrix में represent तो एक ही चीज कर रही है, तो what is, why would we need it? हाँ, एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है ना, आपके पास थोड़ा सा ये देखें टू डायमेंशनल है पहली बात तो ये. ठीक है, और अगर आपका ग्राफ ऐसा है उसमें लिंक्स बहुत सारे नहीं है, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में बहुत सारी एंट्रीज जीरो होंगी, बहुत सारी एंट्रीज खाली होंगी. तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्पार्स ग्राफ और डेंस ग्राफ. स्पार्स खाली खाली, ठीक है, स्पार्स ग्राफ और डेंस ग्राफ. तो अब स्पार्स ग्राफ के लिए आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स अच्छा नहीं है. अगर ग्राफ डेंस है, उसमें बहुत सारे वंस आ रहे हैं, फिर आप जो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करें. और एडजेसेंसी लिस्ट जो है स्पार्स ग्राफ के लिए अच्छा है. डेंस ग्राफ के लिए आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करें. और एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर एक सिंपल लुकअप से आप पता लगा सकते हो कि कोई सी दो नोड्स कनेक्टेड है या नहीं है. सिर्फ आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके चेक करना है, वन आ रहा है जीरो आ रहा है, तो एक सिंपल लुकअप से चेक कर सकते हैं. जबकि एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर आपको पहले उस डिक्शनरी के एलिमेंट को फाइंड करना होगा, उसके पास जो लिस्ट बन रही है उसमें ढूंढना पड़ेगा वो नंबर आ रहा है नहीं आ रहा. मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अगर फाइंड करना है कि थ्री और टू कनेक्टेड है या नहीं है, तो पहले मैंने थ्री में क्या क्या चीज़ें, ये लिस्ट एक बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, फिर इसमें मुझे ढूंढना होगा टू आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. एडजेसेंसी लिस्ट भी यूज होती है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी यूज होती है. बोथ हैज प्रोज एंड कॉन्स. अब आते हैं हम डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के ऊपर, DAG, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ मैंने आपको बता दिया. डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है?
जिसमें एरोज की एरोज होते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है हर लिंक की, ठीक है। ए साइक्लिक, साइकिल क्या होता है, साइकिल ये होता है मिसाल के तौर पर, साइकिल और लूप में क्या फर्क होता है, ये क्या है, ये साइकिल है, यस दिस इज अ साइकिल। तो ये अक्सर ग्राफ में फॉर्म होता है, साइकिल बन रहा है ना, इधर से गए उधर से गए वापस उसी पे आ गए, और ये लूप है, ठीक है। दिस इज लूप जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, वन अपने आप से कनेक्ट हो रहा है वाया अ सिंपल लूप, एंड वन से टू पे गए, टू से थ्री पे गए, डेट इज अ साइकिल, ये लूप है, ठीक है। तो डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें कोई साइकिल नहीं होती, कोई लूप नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये ग्राफ है, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है इसमें कोई लूप है, किसी नोड से स्टार्ट करें, ट्रेवर्स करते हुए आप उसी नोड पे वापस आ जाएं, ऐसा हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा ना? नो सर। तो डेट इज अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, डैग, को क्या कहते हैं, डैग, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। लेकिन क्या ये ट्री है, क्या इसको ट्री कहेंगे आप? नो सर। कहेंगे? नो सर। क्यों नहीं कहेंगे इसको ट्री? क्योंकि उसमें सर हमारे पास लीव्स होते हैं, ट्री से चाइल्ड एंड देन लीव्स बने, रूट तो है वन, ठीक है, लीव भी है फोर। बात यह है कि यहाँ पर एक नोड का एक से ज्यादा पेरेंट हो गया है, फोर के दो पेरेंट बन रहे हैं, फोर का पेरेंट टू भी है और थ्री भी है, ठीक है। तो ट्री में क्या होता है, हर नोड का एक सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है, और एक रूट होता है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता। तो ये डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में ये हो सकता है कि एक नोट के एक से ज्यादा पेरेंट हो, लेकिन ट्री में नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे चलते हैं सर, ये दोबारा बताते हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आया। देखिए ना, फोर जो है, फोर के दो पेरेंट्स हैं, वन भी, ये टू भी है और थ्री भी है, ठीक है, ये थ्री लिखा है मैंने यहाँ पे, थ्री भी है और टू भी है, दो पेरेंट है। ट्री होता तो ये कुछ इस तरीके से होता, इसका डेटा साइंस के हवाले से यूज भी थोड़ा बता दें। अच्छा देखें, सिर्फ डेटा साइंस नहीं है ना, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में तो बहुत सारी चीजें हैं, इसका यूजेज जो है आपके पास बिग डेटा में बहुत है। जब आप नेटवर्क बनाओगे, ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, नेटवर्क को एनालाइज करना, दुनिया में जो है इतने कनेक्शंस बन रहे हैं। अब फेसबुक पे देखें, फेसबुक पे जो है कनेक्शंस कितने हैं, लोग फ्रेंड्स हैं आपके पास, इतना डेटा जनरेट हो रहा है। जहाँ पे ग्राफ होते हैं वहाँ पे इतना डेटा होता है, नेटवर्क के ऊपर इतना डेटा होता है, क्योंकि हर दो नोड आपस में कम्युनिकेट कर रही है। अब डेटा इतना ज़्यादा आ रहा है, उसको एनालाइज कैसे किया जाए, और फिर इसमें पूरी अलग साइंस लगती है कि आप जो है, हमारे पास बिग डेटा के टूल्स हैं बहुत सारे, जो कि बिग डेटा के टूल्स के थ्रू हम इस डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे। मिसाल के तौर पर फेसबुक जो काम कर रहा है, फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड रिकमेंड कर रहा है, ये आपका फ्रेंड है, उसके ये फ्रेंड्स हैं, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप इसको फ्रेंड बनाना चाहें। ये रिकमेंडेशन कैसे आ रही है,
रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है आपका, जो आप अमेज़ॉन पे जा रहे हैं और अमेज़ॉन पे जाके जो है आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड हो रही हैं कि आपके दोस्त ने इसको पसंद किया था, आप भी पसंद करेंगे इसको, तो ये किस बेस पे काम कर रहे हैं? सारा कुछ ग्राफ्स पे चल रहा है, रिकमेंडेशन सिस्टम, जो कि डेटा साइंस में बड़ी अहमियत है, ठीक है। और नेटवर्क एनालिटिक्स, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, Neo4j है और बहुत सारे टूल्स हैं, तो डेटा विजुलाइजेशन में जो है बड़ा काम आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, ना सिर्फ ये कि कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर साइंस की ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड हो गई, एल्गोरिथम की फील्ड हो गई, हर जगह पे काम आता है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? सर न्यूरल नेटवर्क तकरीबन मिलता जुलता है ना इस तरह का? न्यूरल नेटवर्क भी एक नेटवर्क है, वो भी ग्राफ है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास कंप्यूटर विजन के बहुत सारे प्री ट्रेन्ड नेटवर्क हैं, तो वो पूरा ग्राफ बनता है कंप्यूटर विजन के। जैसे हमारे पास इंसेप्शन हो गया, और इस तरीके से एक्सेप्शन हो गया, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे प्री ट्रेन्ड नेटवर्क है। तो वहाँ पे जो है ना, एक सिंपल ट्री लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, वहाँ पे ग्राफ स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी काम आएगा ये जो नोड्स का स्ट्रक्चर होता है। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, न्यूरल नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि सिंपल ट्री लाइक हो, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। इट कुड बी अ ग्राफ, इट कुड बी अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, नॉर्मली डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, रेगुलर एक्सप्रेशन हमें अक्सर काम आती है पार्सिंग करने में। तो जब आप डेटा की प्री प्रोसेसिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन काम आती है। तो मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ ए प्लस बी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? ए एंड बी की वैल्यू को ऐड कर दो। नहीं, रेगुलर एक्सप्रेशन में इसका मतलब हुआ या तो ए या बी, ठीक है, या तो ए आएगा या बी आएगा, ठीक है, ओके। और इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये कंकेटिनेशन है, डॉट जो है कंकेटिनेशन, पहले ए आएगा, हाँ पहले ए आएगा फिर बी आएगा, ठीक है। और इसका क्या मतलब है? क्लीन, इसको क्लीन कहते हैं। ए जीरो टाइम्स भी आ सकता है और मल्टीपल टाइम्स भी आ सकता है, ठीक है, जीरो और मोर। ए जो है वन टाइम भी आ सकता है, टू टाइम भी आ सकता है, थ्री टाइम भी आ सकता है, हो सकता है ए एक दफा भी ना आए, ठीक है। आ रही बात समझ में? यस सर। अब मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, अब आप मुझे बताइएगा ये क्या है। एल का मतलब है लेटर, ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, ठीक है। अब मुझे बताएं ये क्या है। L का मतलब है लेटर, D का मतलब है डिजिट। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो डॉट मौजूद है, ठीक है। क्या समझ में आ रही है, क्या है सर? ये लोग से लॉगरिथम से मिलता जुलता नजर आ रहा मुझे तो। नहीं नहीं, लॉगरिथम नहीं है ये, मैथ में जो हम लोग यूज करते हैं। नहीं नहीं, ये वो नहीं है सर। ये एक लैंग्वेज को मैंने लिखा है, ठीक है, एक लैंग्वेज लिखी है मैंने, ये बता रहा है कंप्यूटर में जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, सबसे पहले क्या आना चाहिए?
ये क्या बता रहे हैं, सबसे पहले क्या आएगा, लेटर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, लेटर या डिजिट, या डिजिट, यस सर, लेटर या डिजिट आएगा, लेटर आना चाहिए शुरू में, उसके बाद कुछ भी आता रहे हमें कोई परवाह नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा x1, क्या ये वेरिएबल का नाम सही है, सही है ना, लेटर से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कुछ भी आता रहे, लेटर या डिजिट मल्टीपल टाइम, या ना भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैंने लिख दिया 1x, तो क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन से पार्स होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कहेगी इसके बारे में, ये बोलेगी मेरे मुताबिक तो नहीं है, एरर दे देगा कि लेटर पहले नहीं आ रहा, ठीक है, यस सर। इसी तरीके से ईमेल की आप जो है बना सकते हो, ईमेल एड्रेस की रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी, ठीक है। मैं कहता हूं कि एन से स्टार्ट होने वाले नामों की रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ, तो क्या होगी, एन डॉट, एन डॉट, उसके बाद क्या आएगा, यही सर, लेटर एंड लेटर स्टेरिक, मैं लिख दूं, अगर मैं यू लिख दूं, ए से लेकर जेड तक कुछ भी आ रहा हो और जितनी दफा चाहे आ जाए, स्टार्ट सिर्फ एन से होना चाहिए, ठीक है, यस। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये भी बड़ी काम आएगी आप लोगों के ना पार्सिंग में, रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन की अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इसमें तकरीबन यही चीजें हैं, ठीक है, जब आप लोग पढ़ोगे इंशाल्लाह तो चीजें क्लियर होंगी। ये हमारा लास्ट टाइम का लेक्चर कंप्लीट हुआ है अभी, अगर आप लोग कहते हैं तो थोड़ी सी रेगुलर एक्सप्रेशन पे हम बात भी कर लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, पाइथन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ईमेल मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को करा देता हूँ, तो ये चेक करके बताएगा कि आपकी जो इनपुट आया है वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन को इंपोर्ट करना है, ठीक है, इंपोर्ट आर ई कर लिया, आर ई कौन सी लाइब्रेरी है, रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी है, रिमेंबर हमने जो है नमपाई को इंपोर्ट करा था, इसी तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन को भी ऐसे ही इंपोर्ट किया जाएगा। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ठीक है, अब हर लैंग्वेज में रेगुलर एक्सप्रेशन जो मैंने सिंपल बताई है आपको, रेगुलर एक्सप्रेशन ये तो मैंने सिंपल बताई ना आपको, ये तीन चीजें हैं, इसके अलावा भी चीजें हैं, जावा में अलग हैं, पाइथन में अलग हैं, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इस कैप का मतलब होता है शुरू में, ठीक है, कैप का क्या मतलब होता है, स्टार्टिंग विद, स्टार्ट किससे हो रहा है, सोच के बताएं आप लोग, ईमेल में कुछ भी हो सकता है, ईमेल हमेशा स्टार्ट होगा ए से लेके जेड तक के कोई नंबर हो सकता, करेक्टर हो सकता है, या जीरो से लेके नाइन तक, और ये प्लस है, ये प्लस जो है ना ये और वाला नहीं है, यूनियन वाला नहीं है, ये ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है ना, तो इसका क्या मतलब होता है, वन और मोर, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, वन और मोर, जिस तरीके से क्लीन मैंने आपको बताया ना, स्टार, स्टार का क्या मतलब होता है, जीरो और मोर, ठीक है, yes, स्टार का मैंने यही बताया ना, लेकिन प्लस yes. का क्या मतलब होता है, एक दफा जरूर आएगा, वन और मोर, ठीक, वन और मोर, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ईमेल में मतलब एक या एक से ज्यादा दफा आएगा, ए बी सी डी कोई नंबर आ रहा होगा या ए बी सी डी में से कुछ भी आ रहा होगा, लेकिन डॉट से पहले कम से कम एक दफा जरूर आएगा वो, ठीक है, ओके।
उसके बाद क्या है, बैक स्लैश लगा के डॉट लिखा है, यानी डॉट जरूर आए, डॉट आएगा या अंडरस्कोर आएगा, जैसे नुमान डॉट इस्लाम या नुमान अंडरस्कोर इस्लाम। और ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, ऑप्शनल है, ये कंडीशनल है, आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, यानी नाम लिखा हुआ है नुमान, उसके बाद डॉट आ भी सकता है, अंडरस्कोर आ भी सकता है, लेकिन हो सकता है कि ना भी आए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फिर ए से लेके जेड तक या जीरो से लेके नाइन तक कई दफा आएगा, ठीक है। ये बैक स्लैश क्या था ये जरा बता दें। बैक स्लैश के बाद कोई स्पेशल, कोई आपके पास खास करेक्टर बता रहे हो, लाजमी आएगा, नहीं सॉरी, कोई करेक्टर की स्पेसिफिकेशन देना चाह रहे हो, स्पेसिफिकली बताना चाह रहे हो ये वाला करेक्टर आएगा, यानी डॉट आएगा। बैक स्लैश के बाद आप अगर आप ए लिख दोगे तो उसका मतलब है आप कह रहे हो कि इसके बाद ए आएगा, बैक स्लैश के बाद बी लिख दिया तो बी आएगा। एग्जैक्टली आप स्पेसिफिकली बता रहे हो ये करेक्टर आएगा, लेकिन क्योंकि आपने ब्रैकेट के बाहर क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो इसका मतलब है ये ना भी आए तो फिर भी कोई बात नहीं, खैर। उसके बाद ए से लेके जेड तक या जीरो से लेके नाइन तक आएगा, ये भी कई दफा आ सकता है। उसके बाद आपने क्या कहा, एट द रेट, ठीक है। मुझे एक चीज बताएं, अगर ब्लैक स्लैश इस एक्सप्रेशन में से हम निकाल भी दें तो इट शुड स्टिल बी वैलिड क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नहीं, बैक स्लैश के जरिए आप बता रहे हो कि डॉट आएगा, ठीक है, डॉट की स्पेसिफिकेशन आप कैसे देंगे फिर? नहीं तो आगे क्वेश्चन मार्क भी तो लगा दिया ना आपने, क्वेश्चन मार्क तो ऑप्शनल के लिए, लेकिन आप डॉट, ये किसी की आवाज ये प्रॉब्लम कर रही है, थोड़ा सा माइक देख ले, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, डॉट इसलिए यूज किया कि वो बैक स्लैश इसलिए यूज किया कि सिर्फ ये दो यूज हो सकते हैं, हैशटैग और कुछ यूज नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसको एक दफा मैं पूरा कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जो है ना मैं आपको बता दूंगा पाइथन की रेगुलर एक्सप्रेशन की पूरी डिटेल जो है ना वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। इसको कंप्लीट कर ले, उसके बाद क्या कह रहा है, एट द रेट आएगा, एट द रेट के बाद क्या होगा, नुमान डॉट इस्लाम एट द रेट के बाद क्या आता है, डोमेन बताओगे तो बैक स्लैश डब्ल्यू का मतलब क्या है, बहुत सारे वर्ड्स, ठीक है। बैक स्लैश डब्ल्यू का मतलब कोई करेक्टर है, और प्लस का मतलब बहुत सारे। उसके बाद फिर डॉट आएगा, उसके बाद आखिर में जो है दो या तीन करेक्टर्स आ रहे होंगे, दो से लेके तीन करेक्टर्स आ रहे होंगे, नुमान डॉट इस्लाम एट द रेट हॉटमेल, उसके बाद डॉट के बाद क्या है, दो या तीन करेक्टर्स, डॉट कॉम भी हो सकता है, डॉट ए यू भी हो सकता है, डॉट एन जेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो रेगुलर एक्सप्रेशन अभी बनाई मैंने, अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन के मुताबिक कोई करेक्टर जो है पार्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे इसको चला के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ईमेल में इनपुट लेता हूँ, इनपुट एंटर ईमेल एड्रेस, और इसको मैं रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट सर्च, आ रही हमारी ये लाइब्रेरी है, इसमें मैंने सर्च किया कि ये जो मैंने ईमेल इनपुट ली है ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच हो पा रही है नहीं हो पा रही है, अगर मैच हो रही है तो वैलिड, और अगर मैच नहीं हो रही तो इनवैलिड, ठीक है। इफ लगा दिया मैंने, इनवैलिड ईमेल, ठीक है। मैं अगर डालता हूँ नुमान डॉट इस्लाम, अच्छा ये आ भी गया यहाँ पे, तो देखते हैं इसको पार्स करते हैं, इनवैलिड कह रहा है, ठीक है। इनवैलिड क्यों कह रहा है, ये सिर्फ एक डॉट को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन इतनी अच्छी नहीं बनी हुई। अगर मैं इसको लिखता हूँ नुमान डॉट इस्लाम एट हॉटमेल डॉट कॉम या जी मेल डॉट कॉम को कर लेगा ये, वैलिड कह रहा है, ठीक है।
तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, डॉट कॉम डॉट पी के वाले को नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं हाँ डॉट के बाद कॉम पे ख़त्म हो जाए या पी के पे ख़त्म हो जाए, लेकिन जो तीन है ना एन यू डॉट ई डी यू डॉट पी के, दो डॉट आ रहे हैं जिसके अंदर, एट द रेट के बाद जो है तीन डोमेन आ रहे हैं ना एन यू डॉट ई डी यू डॉट पी के, वो नहीं कर पा रहे। इसी तरीके से ये ए बी सी एट याहू, इसको भी नहीं कर पाएगा मेरा ख्याल है, इनवैलिड कह रहा है, याहू के बाद कॉम आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ नुमान डॉट नुमान एट द रेट एच ई सी डॉट जी ओ वी, जी ओ वी तक तो कर लेगा, डॉट पी के लगाऊंगा तो नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन, अब मैं आपको जो है इसकी कॉमन रेगुलर एक्सप्रेशन कौन कौन सी है इसके अलावा, मिसाल के तौर पर डोमेन नेम चेक, आई पी एड्रेस चेक करना है, आई पी एड्रेस रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन, तो ये बहुत सारी तो आपको बनी बनाई मिल जाएंगी नेट पे ना, आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ये बनी हुई है तो मिसाल के तौर पर ये तो हमने ये जो है रेगुलर एक्सप्रेशन देखी ईमेल की, ईमेल रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। और अब आ रही है आईपी एड्रेस की, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस तो सबको पता होगा क्या होता है इंटरनेट का, तो ये क्या कह रहा है जी, पता है ना सबको, हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, जिस इंटरनेट पे हो या अगर लोकल भी हो तो फिर लोकल आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसकी क्या रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, आप देखें डिजिट्स आ रहे होंगे, बैक स्लैश डी का मतलब है डिजिट्स, बी का पता नहीं क्या मतलब है, देखना पड़ेगा मुझे भी, एक से लेके तीन तक, जैसे 192 ये भी तीन डिजिट का है, 10 दो डिजिट का है, या 1.1 8.8 तो एक डिजिट का भी हो सकता है, पहला ऑक्टेट एक से लेके तीन तक के हो सकता है, फिर डॉट आएगा, फिर एक से लेके तीन तक होगा, फिर डॉट आएगा, फिर एक से लेके तीन तक होगा। बैक स्लैश बी जो है मुझे देखना पड़ेगा कि किस चीज के लिए उसने लगाया है, मैच देखना पड़ेगा बाहर, तो इसको मैं आईपी इनपुट ले लेता हूं, मुझे लगता है मैच करेगा, इसने रिजेक्ट बनाया रिटर्न अ मैच वेयर स्पेसिफिक कैरेक्टर एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ अ वर्ड, ठीक है। अच्छा इसको चेक करते हैं, इनपुट लेते हैं एंटर एन आई पी एड्रेस और इसको हम चेक करते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं 192.168. अच्छा इसको फिर हम जो है मैच करने के, अच्छा सर्च भी कर सकते हैं हम ना, फाइंड के बदले सर्च भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर सर्च किया था हमने, तो अगर मैच कर जाए तो हम कह देंगे कि आई पी या else print invalid IP, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 192.168.1.1 तो ये मैच कर गया वैलिड IP, लेकिन अगर मैं वन छोड़ दूँ 192. बस यहाँ तक के छोड़ दूँ 19.21 तो ये कह रहा है invalid, ठीक है। तो इस तरीके से आप वन चेक करें, हाँ चलेगा 111 तो 1.1.1.1 ठीक है चल रहा है, चार ऑक्टेट चाहिए आपको, चारों को मैच कर रहा है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन यू कैन सी के जो है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, हर जगह पे इसको इस्तेमाल करना पड़ता है आपको ना, राइट। तो इसकी स्पेसिफिकेशन जो है मैं फिर आपको, अच्छा माजिद आपकी समझ में नहीं आ रहा, सैयदा का क्वेश्चन था कि इसके प्रैक्टिकल यूज, मैंने अभी आपको बताया आईपी एड्रेस में इस्तेमाल होगा और बहुत सारी जगहों पे जो है इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना पड़ता है, पैटर्न मैचिंग है बेसिकली माजिद, इट इज पैटर्न मैचिंग, पैटर्न जो है अक्सर हमें मैच करना पड़ता है।
तो पैटर्न मैचिंग जो है बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर ईमेल मैच करना, आईपी एड्रेस मैच करना, या घर का एड्रेस मैच करना। अक्सर आप जो है टेलीफोन नंबर मैच करना, ज़रूरत पड़ती है ना आपको, वेबसाइट बना रहे हो कोई, टेलीफोन नंबर मैच करना है। भाई कैसे करोगे टेलीफोन नंबर मैच, आ रही है बात समझ में? पासवर्ड्स पे बहुत कॉमनली यूज होता है, पासवर्ड्स में यूज होता है। माजिद राइट, समझ में आ रहा है? या या गॉट इट, इट मेक्स सेंस जी। ठीक है, गुड। तो ये बहुत सारी जगहों पे इसका यूजेज है, तो इस वजह से जो है मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इसको थोड़ा सा डिस्कस किया। अब आते हैं हम थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। सर ये जो आप डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, हम लेटर डाउन द कोर्स इनकी डेप्थ में जाएंगे, जैसा आ रही आज आपने दिखाई है थोड़ी। देखिए जैसे मैंने आपको नंपाई कराई ना, नंपाई हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पेंडाज हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है जब आपको पाइथन आ जाएगी इतनी ना, तो आप खुद इस काबिल होंगे कि यू विल बी एबल टू यूज रेगुलर एक्सप्रेशन। बाकी सर नासिर के ऊपर अगर टाइम बचता है, क्योंकि इस तरह तो बहुत सारी लाइब्रेरीज ना, हम हर किसी को तो डिटेल में नहीं देख सकते, लेकिन टाइम मिलता है तो रेगुलर एक्सप्रेशन को भी डिटेल में देखा जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज यू वुड बी एबल टू डू दैट। ठीक है, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी कहाँ पे इस्तेमाल होती है? आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में कुछ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हर दफा डिफरेंट आ रहा है। सिक्के को उछालेंगे तो उसके कई तरह के आउटपुट आ सकते हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। कभी आप उछालेंगे हेड आ रहा है, कभी आप उछालेंगे टेल आ रहा है। ठीक है, तो जब ये डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं तो इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, उस सवाल है जी सर, आपने भी बताया कि प्रोबेबिलिटी, आपने इसकी एग्जांपल दी सर, ये प्रोबेबिलिटी का मैं कहता कि जो एक तरह से एक प्रिडिक्शन होती है, मतलब क्या ये बात सही है? यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम वेदर की प्रिडिक्शन करना चाहें कि मतलब आगे आगे आने वाले 10 दिनों में क्या वेदर की कंडीशन होगी, तो हम मतलब इसको प्रोबेबिलिटी के थ्रू देख सकते हैं, मतलब क्या ये बिल्कुल ऐसे ही होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है, प्रोबेबिलिटी की मदद से प्रिडिक्शन की जाती है ना, कि हमने देखा कि आज सर्दी है तो 2 महीने बाद प्रोबेबिलिटी क्या है गर्मी होने की या सर्दी होने की। ठीक है, अगर जो है प्रोबेबिलिटी 90% जो है ये आ रही है कि गर्मी ही होगी, तो फिर आप 90% जो है इट इज़ वेरी क्लोज टू 100%, तो आपकी प्रेडिक्शन तो यही होगी ना, जिसके ज़्यादा चांसेस होंगे आप वही प्रेडिक्ट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी की मदद से ही हम प्रेडिक्शन करेंगे। इंशाल्लाह जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि हमने प्रेडिक्ट करना है कि ये पिक्चर जो आ रही है ये मेल की है या फीमेल की है, तो मशीन जो है प्रोबेबिलिटी में आंसर देगा कि 95% चांस है कि ये मेल है, 5% चांस है कि फीमेल है। तो आप देखोगे जिसके ज़्यादा चांसेस होंगे, 95% कह रहे हैं मेल है, तो आपका आउटपुट क्या होगा? आप ये कहोगे ये मेल है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब 2 इवेंट्स हैं, इवेंट से मुराद ये है आपने सिक्का उछाला, क्या चांसेस हैं कि हेड आए और क्या चांसेस हैं कि टेल आए, 2 इवेंट्स हैं। तो इवेंट 1 और इवेंट 2 दोनों के एक साथ होने के क्या चांसेस हैं उसको हम इंटरसेक्शन से मालूम करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या चांसेस हैं कि हेड आए और टेल भी आ जाए, ये 2 इवेंट एक साथ होने के चांसेस मिला के क्या होंगे? एक सिक्के को उछाला, क्या चांसेस हैं कि हेड आए और टेल आए? तो आप ऑब्वियसली दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ये बात मैंने पहले भी की थी, एक बंदा मेल होने के चांसेस और फीमेल होने के चांसेस दोनों एक साथ होने के चांसेस नल हैं, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं।
तो प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू क्वांटिफाई द लाइक्लीहुड के क्या चांसेस हैं इस बात के होने के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की कुछ खसूसियात हैं, मिसाल के तौर पर प्रोबेबिलिटी सबको जमा कर लो, सारे इवेंट्स को जो सैंपल स्पेस है, जैसे अगर मैं दो बार जो है सिक्के को उछालता हूँ, ठीक है, तो पहली दफा मिसाल के तौर पर आया हेड और दूसरी दफा भी हेड आया, तो हेड हेड हो गया, ठीक है। पहली दफा आया हेड और दूसरी दफा आया टेल, तो हेड टेल हो गया, तीसरी दफा उछाला तो हेड आया, सॉरी टेल टेल रह गया ना, और फिर टेल टेल, यानी मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, टेल टेल, ठीक है। ये जो है टोटल आपका सैंपल स्पेस बना ना। अब हेड हेड आने के चांसेस क्या है? 1/2 नहीं, 2 थोड़ी होगा, दोनों दफा हेड आए तो इसके चांसेस क्या होंगे? 1/1 नहीं, 1/4 दोनों दफा हेड आए, यस यस यस, ठीक है। चार है, चार में से ये एक दफा ही आ सकता है, तो 1/4, और कम से कम एक हेड आए, इसके क्या चांसेस हैं? 1/2 कम से कम एक हेड आए, तो ये 3 है जिसमें हेड आ सकता है, 4 3/4, ठीक है। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी, और दो टेल आए तो ये भी 1/4, ठीक है। इंडिविजुअली इनकी देखें तो 1/4 है सबकी ना, 1/4 हर इवेंट के होने के चांसेस 1/4 है, और टोटल को जमा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 के बराबर आएगा, राइट ठीक है। तो टोटल जो है 1 होगा और इंडिविजुअली जो है 1 से कम होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के? चल आगे चलते हैं। अब एक चीज होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी इन अ गिवन कंडीशन, एक गिवन कंडीशन हो तो फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाए। मिसाल के तौर पर मुझे पता है कि कि अगर डिलीवरी होती है किसी फीमेल की तो बच्चे के नॉर्मल होने के चांसेस होते हैं मिसाल के तौर पर 99%, 99% चांसेस है कि बेबी नॉर्मल होगा, उसको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक कंडीशन अटैच कर दी इसके साथ कि फीमेल को डायबिटीज़ भी है, तो उसके बाद चांसेस क्या होंगे, समझ रहे हैं? यानी एक स्पेसिफिक कंडीशन में आपका क्या सिनेरियो बनेगा? बी जो है ये प्रोबेबिलिटी है कि बेबी नॉर्मल होगा, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ये तो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है ना, बी की प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल बेबी, लेकिन अगर इसके साथ मैंने ये भी कंडीशन लगा दी कि फीमेल जो है उसको डायबिटीज है, ए जो है ये कंडीशन लगा दी मैंने फीमेल को डायबिटीज है, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी,
बेबी के नॉर्मल या एबनॉर्मल होने की, ठीक है, नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी उस स्पेसिफिक कंडीशन में, राइट तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी बी ओवर ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी हमारा सैंपल स्पेस जो है अब डिफरेंट है, अब हम पूरी दुनिया के बच्चे की बात नहीं करेंगे कि पूरी दुनिया में जितने बच्चे हैं उनमें से कितने नॉर्मल नहीं हो रहे, ठीक है, हम पहले ये देख रहे थे ना पूरी दुनिया के बच्चों में से हमारा जो सैंपल था वो बहुत बड़ा था, पूरी दुनिया के बच्चे थे, लेकिन अब जब हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि डायबिटीज है जिस फीमेल को, तो अब हम किनको देखेंगे, उनको देखेंगे, हमारा सैंपल स्पेस क्या हो गया, कम होके उन वो हो गया जिसमें डायबिटीज वाले हैं, तो इस वजह से नीचे क्या आ रहा है, वो प्रोबेबिलिटी आ रही है कि डायबिटीज कितनों को है, और डायबिटीज होने के बाद वो सैंपल स्पेस जिसमें डायबिटीज और एबनॉर्मल बेबी है उसका इंटरसेक्शन निकाला हमने, ठीक है, अभी हम इसकी एग्जांपल भी करेंगे बेसियन थ्योरम पे हम अप्लाई करके देखते हैं, ये बड़ा यूजफुल है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए जो है एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल बी है, बी कह रहा है कि स्टिफ नेक, बंदे की जो गर्दन है उसमें दर्द हो रहा है, अकड़ी हुई है, स्टिफ नेक, ठीक है, अब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मशीन लर्निंग में प्रेडिक्शन के लिए, बड़ा ही यूजफुल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसियन थ्योरम, इसको समझना जरूरी है। हमारे पास एक पेशेंट आता है, उसकी गर्दन अकड़ी हुई है, ठीक है, सर्दी से भी हो सकता है या कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, और ए का मतलब है मेनिंजाइटिस, एक बीमारी होती है, ठीक है, तो पी ऑफ ए का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे पी ऑफ ए का क्या मतलब है, पी ऑफ ए का मतलब यही हुआ ना कि इस बंदे को मेनिंजाइटिस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अमूमन क्या प्रोबेबिलिटी है, पूरी दुनिया में मेनिंजाइटिस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप ये कैसे निकालोगे, आप 1000 लोगों को रैंडमली टेस्ट करोगे, ठीक है, आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई, आपने 1000 लोगों को टेस्ट किया और उसमें से मिसाल के तौर पर 10 लोगों को मेनिंजाइटिस है, तो क्या प्रोबेबिलिटी हुई, 10/1000 यानी 0.01 है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी, किसी बंदे को मैं कह रहा हूं कि कैंसर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.01 बहुत कम है, और पीबी का मतलब क्या है, पीबी का मतलब है किसी बंदे के गर्दन अकड़ी हुई हो, 1000 लोगों का डेटा लो, बहुत कम होंगे जिनकी गर्दन अकड़ी हुई होगी, मिसाल के तौर पर 0.05, ठीक है, अब मुझे मालूम करना है A over B का क्या मतलब हुआ, जी बताएं जरा मुझे A over B का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, हाँ A क्या है मेनिंजाइटिस और B क्या है स्टिफ नेक, तो A over B का मतलब क्या हुआ कि आपके पास B जो है कंडीशन है, B क्या कंडीशन है, हेलो जी स्टूडेंट्स बोले ना, बी कंडीशन स्टिफ नेक,
हाँ इसके अपना एक कंडीशन है हमारी, यानी एक बंदा आया है उसकी गर्दन अकड़ी हुई है और हमें क्या मालूम करना है कि इसको ये बीमारी है या नहीं है, ठीक है। यानी आप यूँ समझो एक बंदा है जो कि सिगरेट पीता है, आपके पास आया है और आपको मालूम करना है इसको कैंसर है या नहीं है। तो पहले आप क्या देखोगे कि आम तौर पर कितने लोगों को कैंसर होता है, आम तौर पर कितने लोग सिगरेट पीते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशन तो ये हो गई ना, ए का मतलब है कि कितने लोगों को आमतौर पर मेनिंगिटिस होता है, दूसरी कंडीशन है कितने लोगों की गर्दन अकड़ी भी होती है, और बी ओवर ए का मतलब क्या हुआ, कितने लोग हैं जो स्टिफ नेक और उस डिजीज के साथ मिले। अच्छा ये देखें, ये उल्टा है ना, यहाँ पर क्या देखना है आपने, ए ओवर बी यानी गर्दन अकड़ा हुआ बंदा आया है उसको है या नहीं है, उसके लिए आपको बी ओवर ए पता हो अगर पहले से, यानी अगर आपको ये पता हो माजी में जितने लोगों को मेनिंगिटिस हुआ था उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिनकी गर्दन अकड़ी हुई थी, ठीक है। रिवर्स कंडीशन आपको पता है कितने लोग ऐसे थे जिनकी गर्दन अकड़ी हुई थी मेनिंगिटिस होने के बाद, यानी इस बीमारी में कितने लोगों के ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। ये अगर आपको पता चल जाए, यानी मिसाल के तौर पर आधे लोगों को, यानी ये डेटा तो आपको मिल सकता है ना, ये आपको आसानी से मिल सकता है ये डेटा। तीन चीज़ें क्या चाहिए आपको, आपको एक ये चीज़ चाहिए कि दुनिया में कितने लोगों को मेनिंगिटिस होता है, ये बड़ी आसानी से मिल सकता है आपको, ठीक है। पूरी दुनिया की आबादी 5 अरब है, 5 अरब में से मिसाल के तौर पर 1 लाख लोगों को होता है, तो डिवाइड कर दिया, रेशो निकल गया। फिर आपको ये भी पता है पूरी दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी गर्दन अकड़ जाती है स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको ये भी पता है कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनको अगर मेनिंगिटिस होता है, जो लोग भी मेनिंगिटिस होता है उनकी आप स्टैटिस्टिक्स मेंटेन कर लें कि इतने में से कितने लोगों को जो है मेनिंगिटिस होने के बाद गर्दन अकड़ी हुई होती है। अब मुझे निकालना है, मेरे ये तीन चीज़ें मेरे पास तो फीड कर ली मैंने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अब मुझे मालूम करना है एक बंदा अगर मेनिंगिटिस लेकर आता है, सॉरी गर्दन अकड़ी भी लेकर आता है मेरे पास, तो मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूँ उसको कितने परसेंट चांसेस हैं कि इसको मेनिंगिटिस होगा। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, पहले क्या आ रहा है, पी बी ओवर ए, बी ओवर ए कितना है 0.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पी ए कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.005, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, कर ले इसको कितना आएगा, कैलकुलेटर आ गया मेरे पास 0.1, यानी 10% चांसेस हैं कि इसको, अगर गर्दन अकड़ी हुई है तो 10% चांसेस हैं कि इसको ये बीमारी है। ये समझ में आए कितना यूजफुल है ये, यानी आपको पता हो अगर कि दुनिया में कितने लोगों को कैंसर होता है, बहुत कम लोग होंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो सिगरेट पीते हैं, ये भी बहुत कम होंगे, लेकिन फिर आपको ये भी पता हो कि जिनको कैंसर होता है उसमें से कितने लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक बंदा आया जो सिगरेट पीता हो, तो आप बता सकते हो क्या इसको कैंसर है या नहीं है। अरे बात समझ में, स्टूडेंट गेटिंग माय पॉइंट, बेसिक थ्योरम समझ में आया? यस सर, यस सर। तो इट्स क्वाइट सिंपल, यानी आपको कंडीशंस पता हो ना अगर के, मिसाल के तौर पर एक कोर्स है जिसमें जो है, मिसाल के तौर पर कितने बच्चे, अमूमन बच्चे कितने फेल होते हैं इस कोर्स में, एक कोर्स है जिसमें कुछ बच्चे फेल होते हैं, कितने बच्चे फेल होते हैं, 1% बच्चे फेल होते हैं, ठीक है।
और डॉक्टर नुमान इस एक कोर्स जो है जब डॉक्टर नुमान पढ़ाते हैं कितने बच्चे फेल होते हैं, ठीक है, ये भी प्रोबेबिलिटी मौजूद है। और डॉक्टर नुमान कौन सा कोर्स पढ़ाते हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कोर्स पढ़ाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसकी मदद से आप मालूम कर सकते हो कि अगर डॉक्टर नुमान कोई कोर्स पढ़ाते हैं तो क्या चांसेस हैं कि ये बच्चा फेल होगा। ठीक है, एक कंडीशन दी हुई है, इसको मैं अगर फॉर्मली लिखूं, इसको भी जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है, ए कह रहा है फेल होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा फेल होता है इस कोर्स में। और बी जो है प्रोबेबिलिटी ये है डॉक्टर नुमान के पढ़ाने की, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में मालूम करने के लिए कि कोई टीचर का कोर्स लेंगे तो फेल होंगे या पास होंगे। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, पी ए का मतलब क्या हुआ कि कोई बच्चा अमूमन इस कोर्स में फेल कितनी दफा होता है, कितनी परसेंटेज है। तो अगर मिसाल के तौर पर 100 बच्चे लेते हैं कोर्स, तो उसमें से जो है 5 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो पी ए कितना हो गया, पी ए हो गया 100 में से 5 बच्चे फेल होते हैं अमूमन, तो ये हो गया 0.05। ठीक है, और डॉक्टर नुमान जो है क्या चांसेस हैं कि वो ये कोर्स पढ़ाएंगे, तो मिसाल के तौर पर डॉक्टर नुमान जो है उनके पास 4 कोर्सेज हैं, 4 कोर्सेज पढ़ाते हैं, या यूं कर लेके चले और यूनिवर्सिटी में जो है 50 कोर्सेज हैं, 50 में से, और डॉक्टर नुमान को उनमें से कोई एक कोर्स मिलेगा 50 में से, तो 1/50 हो गया, यानी 0.02 जो है प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं आप आराम से कि डॉक्टर नुमान को ये दो चीज़ें निकालना तो कोई मसला नहीं है, पास्ट रिकॉर्ड है। और आपको ये भी पता है कि अगर बी ओवर ए आपको पता है, यानी ये क्या मतलब हुआ इसका, ए वाली कंडीशन है, ए कंडीशन क्या है, कोई बच्चा फेल हुआ है तो क्या चांसेस हैं कि उसने डॉक्टर नुमान से पढ़ा हो, तो क्या चांसेस हैं कि डॉक्टर नुमान से पढ़ा हो उसने, कोई बच्चा फेल हुआ है, जिन्हें जो बच्चे फेल हुए हैं क्या वो डॉक्टर नुमान की वजह से फेल हुए हैं, ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मेरे कोर्स में बच्चे पास हो जाते हैं अमूमन, तो इसको ये भी आप जो है पास रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं कि मिसाल के तौर पर 1000 बच्चे थे, 1000 में से जो है सिर्फ 10 बच्चे फेल हुए डॉक्टर नुमान के कोर्स में, यानी सिर्फ 10 बच्चे ऐसे थे जो कि जिन्होंने डॉक्टर नुमान से पढ़ा था वो फेल हुए थे, तो 0.01। अब आपने क्या मालूम करना है कि डॉक्टर नुमान आ गए भाई अब पढ़ाने के लिए, बी जो है डॉक्टर नुमान पढ़ाने आ गए और एक बच्चे ने कोर्स लिया, तो क्या चांसेस हैं कि वो इस कोर्स में फेल हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, पास रिकॉर्ड की बेस पे निकाल सकते हो कि डॉक्टर नुमान के कोर्स में अमूमन जो है अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वो डॉक्टर नुमान का कितना उसमें फैक्टर होता है, 0.001। उसके बाद जो है अमूमन बच्चा कितनी दफ़ा फेल होता है, 0.05 डिवाइडेड बाय, और डॉक्टर नुमान के पढ़ाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0.02। ये इसको सॉल्व कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई बच्चा ये कोर्स लेगा तो वो फेल होगा या पास होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, साउंड्स इंटरेस्टिंग है ना, ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम बेसिन के थ्रू, तो बेसिन क्लासिफाइड इसी तरह काम करते हैं। ठीक है, yes, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट,
सर ये कंडीशनल जो है ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के लिए चेंज होगा फॉर्मूला क्या? हाँ चेंज हो जाएगा बिल्कुल ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना कंडीशनल जो है उसमें इंटरसेक्शन जो है, कंडीशनल जो है ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों के लिए चेंज होगा, ठीक है? क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट होगा ना तो इंडिपेंडेंट के केस में तो इंडिपेंडेंट के केस में इसमें से एक फैक्टर हट जाता है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाता है इंडिपेंडेंट के केस में ना, तो मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, बहरहाल ये अलग होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर जो इंटरसेक्शन वाला है तो हम पहले सेट्स के इंटरसेक्शन निकाल के फिर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं या उसका कोई अलग फॉर्मूला होता है? इंटरसेक्शन का तो मैंने बता दिया ना आपको, इंटरसेक्शन अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ये नल होगा, ठीक है? तो यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन जो है उसका भी मैंने बता दिया था आपको, ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? वो आपने वेन डायग्राम की बात की, क्योंकि जब आप ए और बी को निकालोगे तो जो चीज़ें इनमें कॉमन होंगी वो ए की वजह से भी आ रही होंगी और बी की वजह से भी आ रही होंगी, तो दो बार आ जाएंगी, ठीक है? जो चीज़ें इनमें कॉमन होंगी ए और बी में वो दो दफ़ा आ गई ना, ऐड हो गई, तो एक दफ़ा उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? सर नेव बेस एंड बेसियन थ्योरम ये दोनों सेम हैं? जी जी बिल्कुल, नाइव बेस जो है वही इसी को ही कहते हैं, बेसियन, बेसियन क्लासिफायर भी होते हैं, हम इंशाल्लाह साइकिट लर्न पे जब काम करेंगे तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। सही है, जुपिटर पे इसको वंस आप कर देंगे? जुपिटर पे बेसियन क्लासिफायर को रन करूँ या ये फॉर्मूला चला के दिखा दूँ? सर बेसियन क्लासिफायर। अच्छा एक्चुअली देखें, हमने जो है ना अभी मशीन लर्निंग पढ़ी नहीं है, तो जब मैं मशीन लर्निंग पढ़ा दूंगा ना आप लोगों को इंशाल्लाह दो क्लासेस के बाद, दो या तीन क्लासेस के बाद जो है फिर हम जो है, क्योंकि उस पर फिर आपको बताना पड़ेगा ट्रेनिंग सेट क्या होता है, डेटा सेट क्या होता है, वैलिडेशन सेट क्या होता है, ठीक है? जी। तो अभी जो है इट विल बी टू अर्ली टू वर्क ऑन बेसियन क्लासिफायर, ठीक है? तो बेसियन क्लासिफायर जो है बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर प्रेडिक्शन करना किसी मेडिकल डायग्नोस्टिक की, इट इज़ यूज इन अ नंबर ऑफ वेज, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और इंशाल्लाह दो तीन क्लासों के बाद हम इसको करेंगे। बाकी मैंने अगर वेन डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको इंटरसेक्शन और यूनियन का फ़र्क बताऊं, मिसाल के तौर पर एक साइड ये है, एक साइड ये है, ठीक है? अब ए ये है और बी ये है, अब ए और बी को कंबाइन करना है, तो कैसे कंबाइन करेंगे? यूनियन निकालना है ए यूनियन बी, तो ये तो ए आ गया, ठीक है? जब ए को बी के साथ ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं पूरा ए और पूरा बी ऐड करेंगे तो ये हिस्सा जो है ना, ये जो कॉमन हिस्सा है ये दो दफ़ा ऐड हो जाएगा, एक ए की वजह से भी ऐड होगा और एक बी की वजह से भी ऐड होगा। ये बात समझ में आ रही है आपके? तो इस वजह से ये कॉमन हिस्सा एक दफ़ा माइनस करना पड़ता है, जब इनमें कुछ कॉमन हो ना तो फिर कॉमन हिस्से को एक दफ़ा माइनस करना पड़ता है, क्योंकि ये ए की वजह से भी आएगा, जब ए को ऐड करोगे तो इस पूरे को ऐड करोगे ना तो ये हिस्सा भी आ गया, और जब बी को ऐड करोगे तो इस पूरे हिस्से को ऐड करोगे, फिर बी की वजह से भी आ गया, ये दो दफ़ा आ गया, तो इसको हमने निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में तो कॉमन कुछ नहीं होता, तो माइनस करेंगे भी तो जीरो आ जाएगा, ठीक है?
जहां तक कि एक क्वेश्चन था आप लोगों का कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात थी ना, तो अगर इंडिपेंडेंट होगा यानी ए और बी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, पी ए ओवर बी, तो क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो बी के होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता ए पे, तो पी ए ओवर बी बराबर होगा पी ए के, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता बी के आने से ए पे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ए की जो पुरानी वैल्यू थी वही रहेगी, ठीक है, इस वजह से ये इंडिपेंडेंट है, राइट डिपेंडेंट होंगे तो फिर ये फॉर्मूला है यहाँ पे दिया हुआ, ये वाला फॉर्मूला भी और ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक के बात समझ में आ गई। यहाँ पर आई थिंक हम स्टॉप करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी काम होंगे बहुत सारे, तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास तो थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है मैं थोड़ा सा